नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुरभि, और स्वागत है आपका हमारे शो विंटेज इंडिया में। हम आप पहुंचे हैं अहिल्या नगर यानी कि इंदौर शहर में। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है और साथ ही भारत का एकमात्र ऐसा शहर जहां IIT और IIM दोनों हैं। तो हम आपको ले चलते हैं इंद्रेश्वर मंदिर, जिस मंदिर की वजह से इस शहर का नाम इंदौर है। राष्ट्रकूटा इंद्र तृतीय ने शिव मंदिर 10वीं सदी में बनवाया था। इस मंदिर का नाम इंद्रेश्वर उनके नाम पर रखा गया। सुबेदार मल्हार राव होलकर के राज में इस पुराने मंदिर को 18वीं सदी में रिनोवेट करवाया गया था। इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के बाद हम चलते हैं इंदौर की शान यानी कि राजवाड़ा। राजवाड़ा सुबेदार मल्हार राव होलकर प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। सिंधिया के सेनापति सरजे राव घाटके के आक्रमण से 1801 में यह इमारत तहस नहस हो गई थी। सन 1818 में इस 7 मंजिला इमारत को मल्हार राव होलकर द्वितीय द्वारा फिर से बनवाया गया। यहाँ की मूर्तियाँ, नक्काशी, बनावट बहुत ही सुंदर और कलात्मक है। सन 1890 में लालबाग पैलेस शिवाजी राव होलकर द्वारा पूर्ण हुआ। इसे पुरानी कोठी के नाम से भी जाना जाता है। हम आए हैं लालबाग पैलेस, जिसे तुगोजी राव ने बनवाया था। यह पैलेस 71 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है। यहाँ की नक्काशी बहुत ही सुंदर है और साथ ही आसपास की हरियाली मनमोहक है। तुकोजीराव होलकर तृतीय द्वारा इसे दोबारा बनवाया गया और साथ ही इसे न्यू कोठी का नाम भी दिया गया। ऐतिहासिक छतरी 1780 में प्रारंभ हुआ। यह छतरी परिसर 18वीं और 19वीं शताब्दी की मराठा कला की देन है। ये छतरियाँ होलकर शासकों द्वारा अपने पूर्वजों के सदस्यों के दहन स्थल पर स्मृति स्मारक के रूप में बन गई। हम आए हैं इंदौर के प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर में। आइए चलते हैं। पिपलियापाला इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 50 करोड़ में बनाया गया है। हम आए हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रीजनल पार्क पिपलियापाला में। आइए देखते हैं। पार्क का खास आकर्षण पिपलियापाला तालाब है। यहाँ भूल भुलैया,
म्यूजिकल फाउंटेन, बायोडायवर्सिटी, बोटिंग जैसे आकर्षक केंद्र हैं। ये है यहाँ का भूल भुलैया, पर शायद मैं खुद भूल गई कि मैं कहाँ से आई थी और मुझे कहाँ जाना है, तो मैं चलती हूँ। तो फाइनली मुझे रास्ता मिल ही गया। यह पार्क 80 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। कितना लाजवाब नजारा है, ऐसे नजारे हर कहीं देखने को नहीं मिलते, तो आप जब भी इंदौर आइए यहाँ आना ना भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले स्थान पर। गोमटगिरी प्राचीन काल का जैन मंदिर है जो कि गोमटेश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। 24 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों के साथ साथ यहां का मुख्य आकर्षण 24 फीट की भगवान बाहुबली की मूर्ति है। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस पहाड़ी के अंतःकरण में गोमटेश भगवान बाहुबली के स्वरूप को देखा था, तभी से यह मंदिर गोमटगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हमने देखी 24 तीर्थंकर भगवान की चरण पादुका। होलकरों की नगरी देख के मुझे तो बहुत आनंद मिला। तो आप कब आ रहे हैं ये शहर घूमने?